और स्टील की जो डिमांड बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो स्टील में हम हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं। देश के अंदर में जो गवर्नमेंट है और आने वाले टाइम में भी जो हम देख रहे हैं कि ये गवर्नमेंट स्टेबल रहेगी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात चल रही है उसको भी हम समझ रहे हैं कि ये हो सकता है और स्टील की जो डिमांड बढ़ रही है, कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो स्टील में हम हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक देख रहे हैं। इसी के तहत हम लोगों ने पिछले 7 साल के अंदर में स्टील में एक अच्छा एक्सपेंशन किया है और आज हमारा प्लांट 1 मिलियन टन का उत्पादन कैपेसिटी में पहुँच गया है, जो कि हमारी 5 यूनिट मिला के 1 मिलियन टन हम लोग स्टील बना रहे हैं और फ्यूचर में भी हमारा है कि हम स्टील में और एक्सपेंशन करें। इसके लिए हम लोगों ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से हमने लैंड मांगा है कि हमें कम से कम 1,000 एकड़ लैंड दे और हम इसमें 3 मिलियन टन का प्लांट लगाना चाहते हैं, 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो हम स्टील में बहुत ही पॉजिटिव हैं और स्टील का मार्केट अभी इंडिया के अंदर में कम से कम भी 20-30 साल रहेगा ही रहेगा, ये हमारा मानना है। मार्केट डेवलप करने के लिए हम लोगों को अपनी क्वालिटी पर ध्यान देना पड़ेगा और उस क्वालिटी के लिए हमें रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। वो हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि वो रॉ मटेरियल अगर हमें गवर्नमेंट मुहैया कराए तो हम स्पेशल क्वालिटी का स्टील बना सकते हैं और इसको हम मार्केट के अंदर में एक्सपोर्ट करेंगे, जहाँ हमें फॉरेन करेंसी मिलेगी और हमारा देश जो है और मजबूत होगा। एक्सपोर्ट्स के अंदर में चैलेंजेस कुछ भी नहीं है, एक्सपोर्ट्स के अंदर में क्वालिटी को ही लेकर चैलेंजेस है। अगर हम एक्सपोर्ट की जो डिमांड है उस क्वालिटी का माल बना रहे हैं तो एक्सपोर्ट की डिमांड बहुत है यहाँ पर। वैसे हम लोग फेरोल आयरन काफ़ी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हमारा बिलेट और स्पॉन्ज आयरन जो है वो हम बांग्लादेश और नेपाल भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी और एक्सपोर्ट को अगर बढ़ाना है तो क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। एवरी ईयर हम लोग 500-700 करोड़ रुपये का तो हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, जो कि हम पिछले 7 साल से करते आ रहे हैं। और हमारा एक बड़ा स्टील प्लांट का जो मैंने आपको अभी बताया, गवर्नमेंट से हम लैंड के लिए एप्लीकेशन किया है और अगर हमें मिल जाती है तो हम उसमें एक बड़ा एक्सपेंशन करने की तैयारी में।